मौसम समाचार की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले 24 से 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बरसेगा पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तो कहां कहां होगी भारी बारिश, कहां कहां आएगा मोचा तूफान, आज की वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आंधी बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। अब तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने 17 मई तक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी में आया असानी चक्रवाती तूफान, जी हां, मोचा तूफान के बाद असानी चक्रवाती तूफान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने अपने अनुमान में कहा है NCR के क्षेत्र में 17 मई तक तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इस दौरान तापमान में अधिक गिरावट की संभावना नहीं है। इसके अलावा IMD ने अन्य राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उसके आसपास के सभी क्षेत्रों में 17 मई तक अलग अलग स्थानों पर आंधी बारिश बिजली कड़कने की चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बारिश की अधिक संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के मौसम प्रभारी मोहम्मद दानिश ने बताया बंगाल की खाड़ी में आया असानी तूफान तेजी के साथ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा है। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी से चल रही ठंडी हवाओं के चलते उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर बसे जिलों में अगले 24 से 48 घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में तेज धूप के साथ तेज आसमान पर मौसम साफ रहने का भी अनुमान है। ये मौसम समाचार अब समाप्त होते हैं। रोजाना मौसम की ताज़ा खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।